राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मैं और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रो से रिएक्शन पे। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले सर सेनापति हम्बीर राव के ऑफिशियल ट्रेलर पे। तो सबसे पहले हम ये ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है पूरा मराठा साम्राज्य और ये रायगढ़। अब हिंदुस्तान हमारा है। तो अचानक ये हम्बीर राव नाम की आंधी कहां से? ये आंधी है या कोई हल्की हवा? सड़ू सह्याद्री चा कड़ा श्वास रोकुनी खड़ा। परिस्थिति जेवढी बिकट, मराठा तेवढा तिखट। शिवाजी महाराजांसारखा राजा कधीच कोणा एकाचा नसतो, तो एकाच वेळी समद्या रयतेचा असतो। पण त्याआधी स्वराज्यात ही संभाजी नावाची मोहीम जी उभी राहिली आहे, त्याचं काय? संभाजीला समजून घेण्याकरता तुम्हाला तुमचं काळी शिवाजीचं करावं लागेल, कारण संभाजी पुन्हा एकदाच माफ करतो, नंतर गुन्हेगार साफ करतो। मी आता औरंगजेबाला पुन्हा दिल्लीला नाही जाऊ देणार, इथेच कुठेतरी सह्याद्रीच्या कुशीत झोपवणार। त्याला खड्ड्यापर्यंत आणायची जबाबदारी माझी। तुमच्यासारखा मामा प्रत्येकाला मिळो। अरे युद्धात झालेल्या जखमेत कधी एक ना दागिना नाही, फक्त तो दागिना असा छाती पाहिजे, कुठतरी पाठ ठेवू नये। एक असलो तरी लाखाची ताकद ठेवतो। छातीची चाळण कर पण पाठीची गाळण नाही उदाहरण। एवढी अवघड मोहीम आखलीत खरी, पण खास खळग्यांची जाणीव असावी। सरजा खान एक ऐसी ताकद है जो हमेशा आखरी वक्त काम। त्या सरजा खानाकडे काय मन आग रोखणाऱ्या तोफ आहे, कारण मराठ्यांकडे आग रोखणाऱ्या नजर आहेत। अभ्यंकारान करतो जो इन मराठों ने जिंदगी भी कभी देखी नहीं होगी। जय भवानी। आज अपना भगवा मातीत नहीं, गनिमाच्या छातीत रोवायचं। तो गाइस, ये था सर सेनापति हम्बीर राव का ट्रेलर। और इस ट्रेलर की मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसमें मतलब इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे। हाँ। इतने अच्छे अच्छे सीन दिखाए गए, फाइट सीन दिखाए गए, युद्ध के सीन दिखाए गए। और जो मतलब प्रवीण तरडे सर ने काम किया इसमें, मतलब अनबिलीवेबल। इतना सारे डायलॉग्स उन्होंने लगभग लगभग खुद से लिखे हैं, डायरेक्शन खुद का, डायलॉग्स खुद के, और एक्टिंग मतलब एक नंबर। मजा आया ट्रेलर देख के। और जो मतलब इसके अंदर सीन्स जो दिखा रहे थे ना, जिस तरह से फाइट सीन दिखा रहे थे, जो युद्ध का दिखा रहे थे, और जो मतलब डायलॉग्स इसमें दिखा रहे थे ना, वो भी बहुत सबसे मतलब अच्छा लगा मुझे। परिस्थिति जैसी विकट, मराठा उतना तिखट, ऐसा कुछ डायलॉग है वो, तो वो डायलॉग काफी अच्छा लगा मुझे। और ओवरऑल ट्रेलर भी काफी अच्छा था, टीजर भी इसका हमने रिएक्शन दिया था, बहुत ही ज्यादा दमदार था, ये भी काफी ज्यादा। और इसकी सॉन्ग भी काफी अच्छा है, एक सॉन्ग पे हमने रिएक्शन भी दिया था, हम्बीर टू, वो भी काफी तगड़ा सॉन्ग था। सीरियसली इनके कैरेक्टर के ऊपर ही बना था कि जिस तरह के ये थे, तो ये ट्रेलर में भी वही दिखाया हुआ है कि कितने मतलब ये शूरवीर है और कितने सारे युद्ध वगैरह इन्होंने किए। और ऐसी मूवीज मतलब आनी भी थी और देखने का मजा भी आता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने सुना है, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमने सुना है, लेकिन ये जो उनके साथ में काम करते थे सेनापति हम्बीर राव सर, तो उनको उनके बारे में हमें पता चलेगा जब हम इनकी मूवी देखेंगे, तो इनका भी इतिहास सबको पता चलना चाहिए कि ये कितने वीर योद्धा थे। तो बहुत अच्छा काम है कि ऐसी मूवी और भी आनी चाहिए आगे। तो हमें स्पेशली ये ट्रेलर काफी पसंद आया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, और अपना सपोर्ट इस चैनल पर यूं ही बना रखना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।